हेलो गाइस, मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू मेकअप लुक लेकर आ गई हूँ। और आज ये जो मेकअप लुक है ये है स्पेशल करवा चौथ मेकअप लुक। तो गाइस, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे चलेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि हमने मेकअप लुक कैसे किया। तो गाइस, सबसे पहले हमने अपने स्किन का CTM करना है। उसमें मैंने सबसे पहले गुड वाइब्स का टोनर लिया है अच्छे से अपनी स्किन को प्रैप करने के लिए। अब मौसम चाहे कोई सा भी हो, स्किन तो प्रैप करनी ही करनी है। तो इसमें मैंने गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी का टोनर लिया था। गाइस, काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल भी है, तो आपको टोनर जरूर अप्लाई करना है। अच्छे से मैंने स्किन में टोनर अप्लाई कर लिया। और नेक्स्ट जो था प्रोडक्ट वो था, हमने अपने स्किन को मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है। गाइस, चाहे हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव, कोई भी स्किन हो, मॉइस्चराइजर आपको जरूर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है गाइस। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं वाटर बेस्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लेती हूँ। तो जो मैंने अप्लाई किया था ये जॉय का था, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है और अफोर्डेबल भी है ये भी काफ़ी। मैंने इसे अप्लाई किया अच्छे से अपने फेस को पर और अपनी स्किन को काफ़ी अच्छा, मतलब मॉइस्चर आ जाता है इससे, अच्छे से स्किन आपकी प्रेप हो जाती है प्रॉपरली। अब नेक्स्ट जो था, मैंने इसमें ये कंसीलर लिया था, एले गर्ल का कंसीलर है गाइज़। ये मैंने अच्छे से अपनी आइज़ पर इसे अप्लाई किया और अब स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ गाइस। नेक्स्ट है ये एले गर्ल का, सॉरी लियोन ब्यूटी का ये पैलेट है गाइस मेरा। इसमें आपको 4 शेड अवेलेबल हो जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई कीजिएगा गाइस। काफ़ी अच्छी है ये पैलेट भी और अफोर्डेबल ही है, ये अफोर्डेबल है गाइस ये भी काफ़ी अच्छे से। इससे ना आईब्रो आपकी फिल हो जाएगी, 4 शेड आपको मिल जाएंगे, आपको जैसा अच्छा लगे वो आप शेड अपनी आईब्रो में फिल कीजिएगा, ठीक है गाइस। अब मैंने अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर लिया है। अब दोबारा से मैंने एले गर्ल का ही कंसीलर लिया है, इससे मैं अपनी आईब्रो को और अच्छे से शेप दे दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारी आईब्रो और अच्छे से इन्हेंस हो जाएगी गाइस, काफ़ी अच्छे से हमारा मेकअप भी जब हम करेंगे, आई मेकअप स्टार्ट करेंगे गाइस, वो भी काफ़ी अच्छे से होने वाला है। तो गाइज, अगर आप कोई हैवी आई मेकअप कर रहे हैं तो आपको मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप पहले आई मेकअप कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप आई शेडो वगैरह या ग्लिटर अप्लाई करते हैं तो वो हमारे बेस पर गिर जाएगा, तो हमारा बेस ख़राब हो सकता है गाइज। तो हम पहले आईज़ मेकअप करेंगे, उसके बाद ही हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो गाइज, अब मैंने अच्छे से देखो अपने आईब्रो पे से अप्लाई कर लिया है और ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर है गाइज, काफ़ी क्यूट क्यूट लगते हैं ये। इससे मैं अपने आईब्रो पे ये जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से और जो भी हमारी आईब्रो है वो अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से शेप में आ जाएगी। मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल सेट कर लिया है। और गाइज, जो मैंने अभी आपको बताया कि को मॉइस्चराइज़र लगाना है, टोनर लगाना है, ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं गाइस तो हमारे उस हम वाटर का लेवल हमारा स्किन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस दिन काफ़ी हमारी स्किन मतलब अच्छी सी नहीं दिखती, इतना ग्लो नहीं आता। तो अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो आपके मेकअप में भी इतनी जान नहीं नज़र आएगी, मेकअप इतना फ्लॉलेस, इतना अच्छा नहीं नज़र आएगा, ठीक है गाइस। तो अब मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया, तो मैंने जो स्टार्टिंग की वो पिंक कलर का आई शेड पिक किया मैंने अपनी पैलेट से और उसको पूरी आईज पर अच्छे से अपने ब्लेंड कर लिया। काफ़ी अच्छा आई शेडो मतलब अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, ये पैलेट काफ़ी अच्छा है गाइस। इसका मैंने पूरा वीडियो भी अपने चैनल में डाला हुआ है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब ये HR का कंसीलर है, इससे मैं क्या अपने आईज पर ये अच्छे से इसको भी अप्लाई करूँगी। इससे कट क्रीज बनाने वाले हैं हम, मैं इससे फुल नहीं हाफ कट क्रीज करूँगी। इसमें क्या है कि जो ड्रेस मैंने वेयर की थी, मैंने जो साड़ी पहनी थी गाइस, उसमें क्या नाम है, येलो कलर था और पर्पल कलर, तो मुझे दोनों ही कलर का आई शेडो चाहिए था गाइस। आप अपने ड्रेस अकॉर्डिंग आई शेडो लगाइएगा, ठीक है गाइस। तो अब अच्छे से मैंने इससे आईज पर कट क्रीज कर ली है गाइस और आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अब ये इनसाइड का लूज आई शेडो है गाइस और ये काफ़ी अच्छा आई शेडो है, इसका जो पिगमेंट है वो काफ़ी प्यारा है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये भी। तो अच्छे से मैंने इसको अपनी आईज़ पर अप्लाई करा और ये काफ़ी अच्छी स्मूथ टेक्सचर है इसका, काफ़ी इजीली मतलब अच्छे से आपके आईज़ पर ये ब्लेंड ब्लेंड हो जाएगा,
कोई ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पर ही रह जाए या आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी, काफ़ी अच्छे से इजीली ब्लेंड हो जाएगा। मैं आपको जैसे वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा, मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ इस पर अप्लाई करके। अभी ये ग्लिटर लिया मैंने गाइस, ये मल्टी कलर ग्लिटर था और मैंने इसको अपनी आईज़ पर लगाने का काफ़ी मन था मेरा, क्योंकि गाइस करवा चौथ का जो मेकअप हम करते हैं वो काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस, सब चाहते हैं कि उस दिन हम ही हम हाईलाइट होएं। तो मैं भी यही चाह रही थी कि एक अच्छा सा मेकअप लुक रेडी हो जाए आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैंने इसको अच्छे से अपनी आईज़ पर अप्लाई किया। मैंने इससे पहले ग्लू अप्लाई किया था, ये ग्लिटर का ही ग्लू होता है गाइस, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। मैंने इससे फिर अपनी आईज़ पर ग्लिटर अप्लाई किया, फिर मैंने थोड़ा सा आई शेडो और लिया पिंक को और ये ब्राउन को मिक्स करके अच्छे से अपने एजेस बनाए। और अभी ये कलर सेंस का लाइनर है गाइस, ये मेरा फेवरेट लाइनर है क्योंकि ये काफ़ी ब्लैक है और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है और अच्छा, मतलब पूरे दिन स्टे कर जाता है। आप इसको लगाएंगे तो ये काफ़ी स्टे करने वाला है और एकदम ही जेट ब्लैक आईलाइनर है। मोस्टली जो लाइनर आते हैं वो इतने ब्लैक नहीं होते गाइस, ये ज़्यादा ब्लैक है, तो मुझे ये आईलाइनर काफ़ी पसंद आया तो मैं इसी को ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा आई मेकअप हो वो काफ़ी फाइन हो और मेरी आँखों पर जिसकी भी नज़र जाए वो नज़र हटे ही नहीं। तो मैंने अच्छे से अपनी आईज़ को मतलब रेडी किया और आई शेडो भी काफ़ी अच्छा लगा था गाइस, काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैंने अच्छे से अपना विंग आईलाइनर लगाया, आपकी अपनी मर्जी है, आपको जैसे लाइनर लगाना है वैसे लगाइए, अगर आप विंग आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो विंग आईलाइनर लगाइए। तो गाइस मैंने अच्छे से आईलाइनर लगाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था और अब देख रहे होंगे गाइस वीडियो में थोड़ा सा आई शेडो मेरे स्किन पर, मेरे फेस पर मतलब लग गया, गिर गया, इसीलिए मैं आई मेकअप पहले करती हूँ कि मेरा बेस ख़राब नहीं हो। अब ये मैंने इसमें ग्लैम 21 का प्राइमर लिया और अच्छे से मैं इससे अपनी स्किन को ऊपर अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो पोर्स होंगे, ओपन पोर्स, वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे और हमारी स्किन एकदम रेडी हो जाएगी अच्छे से बेस बनने के लिए। अब ये ग्लैम 21 का ही कंसीलर है, ऑरेंज कलर करेक्टर, सॉरी गाइस, ऑरेंज कलर करेक्टर है ये। जहाँ जहाँ थोड़ा सा मेरा पिगमेंट का इशू था जैसे डार्क स्पॉट वगैरह, ये उसको काफ़ी हेल्प करेगा कैंसिल आउट करने के लिए। इससे क्या होगा जब आप अपना बेस बनाएंगे गाइस तो ये उसमें हाईलाइट नहीं होने वाले हैं, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन दिखने वाली है। तो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। अगर आपकी स्किन में ऐसा कोई इशू ना नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने इसे बस उसी एरिया पर अप्लाई किया जहाँ जहाँ मेरे को डार्क स्पॉट थे, तो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। और ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है गाइज। मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब ये मेबलिन फिट मी का मैंने फाउंडेशन लिया है, जो मेरा शेड है ये है 125 और ये मेरा फेवरेट है गाइज। मैंने ये वाला फाउंडेशन मतलब मेबलिन फिट मी और सुपर स्टेज का दोनों ही फाउंडेशन यूज़ किए, दोनों ही फाउंडेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसे यूज़ कीजिएगा एक बार ज़रूर, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छा ही मिलने वाला है। काफ़ी आपको मतलब एक जैसे बोलते हैं ना पैसा वसूल प्रोडक्ट, वो ये है, ठीक है गाइस। तो मैंने इसको अच्छे से अपने स्किन में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं, जैसे ब्लेंडिंग वाला एक ब्रश होता है मैं उससे भी करती हूँ, पर मेरे को आज मन था कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करूँ। और आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपको ये दोनों चीज़ों से नहीं करना आता है तो गाइस। फिर इसके बाद ये एले गर्ल का ही प्रो कंसीलर लिया और ये थोड़ा येलो शेड था गाइस। मैंने इसको अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए जहाँ जहाँ मुझे नीड थी वहाँ वहाँ मैंने इसे अप्लाई किया। इससे क्या होगा जो भी थोड़ा सा ब्लैकनेस का हमारा इशू होगा वो उसको अच्छे से कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको अच्छे से देखो अपने आईज़ के नीचे, फोरहेड पे, नोज़ पे, अच्छा माउथ के अराउंड क्या होता है गाइस कि यहाँ पर हमारा फाउंडेशन थोड़ा ग्रे ग्रे हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस कंसीलर को अप्लाई करा है कि हमारा जो फाउंडेशन है वो ग्रे या ब्लैक नहीं पड़े। क्योंकि आपको पता है कि मेकअप हमें ऑलमोस्ट हम डे टाइम में करते हैं और नाइट तक रखना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपना मेकअप डे में करूं और नाइट तक वो ब्लैक हो जाए या वो बेकार हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरा मेकअप पूरे टाइम स्टे करे अच्छे से,
तो मैंने इसलिए अपने मेकअप को और इन्हेंस करने के लिए इस कंसीलर को लिया है और अच्छे से इसे अपनी स्किन में अप्लाई कर लिया है। देखिए मैंने कैसे कैसे अपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। गाइज आप भी ऐसे ही कीजिएगा, आपको जो कंसीलर पसंद हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी गाइज ये क्या है, ये कॉन्टोर स्टिक है, काफ़ी लाइट है मुझे क्योंकि डार्क ज़्यादा मतलब कॉन्टोर करने का मन नहीं था, तो मैंने काफ़ी हल्का वाला कॉन्टोर लिया और उसको हल्का हल्का सा अप्लाई किया। ठीक है गाइज, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब फाइन बिल्कुल कॉन्टोरिंग नहीं चाहिए थी, हल्की फुल्की सी चाहिए थी, तो मैंने इसे लिया। बाकी नहीं तो मैं डार्क वाला कॉन्टोर यूज़ करती हूँ। और इसमें भी एक तरफ कॉन्टोर है, एक तरफ आपको कंसीलर का ऑप्शन मिलेगा, क्रीम वाला कंसीलर है, इसमें लिक्विड नहीं है गाइज। मैं इसे भी थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ कि अच्छा सा और थोड़ा सा हमें स्किन का जो हमारा टेक्सचर वो वाइटनिंग चाहिए थी, मुझे पॉइंट्स और थोड़े इनहेंस हाईलाइट चाहिए थे। मैंने इसे अच्छे से अप्लाई किया ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ गाइज जिस तरीके से मैं कर रही हूँ गाइज, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से आपको वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप बिगनर है गाइज तो भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। मैंने भी गाइज ऐसे ही सीखा है, आप भी ऐसे ही सीख जाएंगे। अब ये CVB चामवगन ब्यूटी का कॉम्पैक्ट है गाइज, काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, आपके ऑयल को काफ़ी कंट्रोल करके रखता है और अच्छे से मतलब आपके स्किन में लग जाएगा, काफ़ी अच्छा है। और ये भी काफ़ी मतलब अफोर्डेबल है, तो मैंने इसमें जो प्रोडक्ट लिए वो अफोर्डेबल ही है गाइज, मैंने कोई भी ज़्यादा मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है। तो अब ये मैं हल्का फुल्का पाउडर कॉन्टोरिंग करूँगी गाइज, वो भी काफ़ी हल्की, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझको हल्की सी ही कॉन्टोरिंग चाहिए थी, काफ़ी शार्प वाली नहीं चाहिए। तो मैंने इस तरीके से हल्की हल्की सी कॉन्टोरिंग पाउडर के साथ इसे सेट किया है। ठीक है गाइज, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो हमारा जो बेस है वो बिल्कुल भी केकी नहीं हो, बिगड़े नहीं, तो इसलिए मैंने पाउडर वाला प्रोडक्ट भी यूज़ किया है। तो अब मैंने ब्लश लिया है, इसमें मैंने पिंक कलर का ब्लशर लिया है गाइज, और ब्लशर के बिना तो मुझे ऐसा लगता है मेकअप अधूरा है, क्योंकि जब तक ब्लशर ना लगे तो मेकअप तो अधूरा ही लगता है मुझे गाइज। तो मैंने अच्छे से अपने चीक्स पर ब्लशर को अप्लाई कर लिया है। अब ये स्विस ब्यूटी का मैंने मेकअप फिक्सर लिया और अच्छे से इससे हम अपना मेकअप को फिक्स कर लेंगे गाइज, इससे और भी हमारा मेकअप स्टे करने वाला है। और अब ये हाइलाइटर है गाइज, इसमें मैंने गोल्डन कलर का हाइलाइटर लिया है, क्योंकि जो मैंने मेकअप किया है उसमें भी मेरा आई शेडो गोल्डन है, जो ड्रेस है वो भी गोल्डन मतलब येलो कलर है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें सब कुछ चीज़ें देखनी होती है अपने ड्रेस अकॉर्डिंग। तो मैं अच्छे से देखे किस कैसे इसको मतलब अपने आईज़ पर अप्लाई कर रही हूँ, कैसे कैसे इससे मैं अपने अब नीचे आईज़ में भी मैं इसे थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, काफ़ी सुंदर लुक आता है इससे गाइस, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, और अगर नहीं आता, नहीं कुछ समझ आ रहा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं गाइस, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगता है करना, तो मैं इसलिए इसको ज़रूर करती हूँ। मेरे को कई बार मैं आई शेडो भी नीचे आईज़ में अप्लाई करती हूँ, काफ़ी सुंदर इन्हेंस लुक हो जाता है हमारा, आईज़ काफ़ी इन्हेंस हो जाती है हमारी। अब मैं ये फैन ब्रश से अपने हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर, नोज़ पर, चीक्स पर, और अब तो प्रॉपर मेकअप में एक जान आने वाली है। जो हम मैंने शुरू में आपको बोला कि फास्टिंग करते हैं तो स्किन में थोड़ी सी हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि उस दिन हम पूरे दिन फास्टिंग करते हैं, तो अब वो कंप्लीट होने वाली है। हाइलाइटर से हमें स्किन में एक जान आ गई है, और अभी मैंने नीचे आईज़ में हल्का हल्का पिंक आई शेडो अप्लाई कर लिया, काफ़ी सुंदर लग रहा था, मैंने अच्छे से पिंक आई शेडो अप्लाई कर लिया, हमारा आई शेडो कम्प्लीट हो गया। और अभी मैंने लैश कर्लर लिया गाइज, और इसको भी मैंने अच्छे से अपने इससे लैशेस को कर्ल किया है। और अभी लैक्मे आइकॉनिक का मस्कारा लेंगे, अच्छे से हम अपनी लैशेस पे इसे अप्लाई करेंगे, और इससे भी हमारी लैशेस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, अच्छे से हम इसको नीचे ऊपर दोनों लैशेस में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो इसी तरीके से आप भी अप्लाई कीजिएगा, आपको जो मस्कारा अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो आइकॉनिक का लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा अप्लाई किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। अब ये मैंने काजल लिया है, और ये फेसेस कैनेडा का काजल है, इसको मैं खाली वाटर लाइन पर अप्लाई करने वाली हूँ, अच्छे से इसको मैंने वाटर लाइन पर अप्लाई कर लिया,
वैसे तो गाइज मैं सोच रही थी कि मैं वाइट वाला काजल अप्लाई करूँ, फिर मेरे को लगा नहीं ब्लैक वाला ही करना चाहिए, ब्लैक वाला आज थोड़ा सा इससे आके और हमारी अच्छी नज़र आएगी। और अब ये मैंने मेबलिन की लिपस्टिक ली है और ये सॉफ्ट वाइन हमारा शेड है और ये वाइन कलर की ही लिपस्टिक है गाइज, काफ़ी सुंदर कलर है ये और ये लिपस्टिक का स्टे काफ़ी अच्छा है। तो मुझे मेबलिन की लिपस्टिक काफ़ी पसंद आती है, मैंने इसमें काफ़ी मतलब दो तीन शेड ले रखे हैं मैंने, फिर अभी जैसे मेकअप लुक को देखते हुए हमने अपना शेड भी मेरे को लगा के भाई रेड या मैरूम मतलब वाइन कुछ ऐसा ही डार्क शेड होना चाहिए, तो मैंने इसीलिए वाइन कलर लिया है। इसको मैं अच्छे से अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी गाइज, काफ़ी अच्छे से मैंने अपने इसको लिप्स पर अप्लाई किया, आपको भी इसी तरीके से करना है गाइज। आप चाहे तो इसमें रेड लिपस्टिक भी रख सकते हैं। और अब भाई इंडियन मेकअप तो की जान है बिंदी, बिंदी ना हो तो मेकअप कंप्लीट कैसे होगा, होगा ही नहीं। तो मैंने मेहरूम कलर की एक छोटी सी बिंदी लगाई, इसके नीचे मैंने गोल्डन कलर की भी एक बिंदी लगाई और अब हमारा मेकअप और अच्छा हो गया। इसी के साथ हमारा मेकअप लुक कंप्लीट होता है गाइज। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।